हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक लिया गया है कूलिंग टावर से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग ब्लो डाउन, इवेपोरेशन लॉस, सीओसी, रेंज और अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी पावर प्लांट में सीओसी बढ़ गया तो क्या होगा, और सीओसी घट गया तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू में इसको क्या करना है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि कूलिंग टावर में मेजर दो लॉसेस होते हैं, इवेपोरेशन लॉस और ब्लो डाउन लॉस। ठीक है, उसके उसके भी आप में हम लोग क्या कहते हैं, उस वाटर का जो पर्टिकुलर क्वांटिटी जो रिड्यूस हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेकअप वाटर के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो पर्टिकुलर सीओसी आपका क्या हो जाएगा, दो सर्कुलेटिंग वाटर टीडीएस डिवाइड बाई मेकअप वाटर टीडीएस, ये अपना सीओसी होता है। बट सीओसी अगर ज़्यादा हो तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, या लेस हो तो प्रॉफिटेबल है। ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने से आपको समझ आएगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। ठीक है, ये हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये एक 500 मेगावाट का प्लांट है। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ। ड्यूरिंग ऑन एनर्जी ऑडिटर ऑफ पावर प्लांट कूलिंग टावर द फॉलोइंग डाटा ऑब्जर्व। ठीक है, पावर प्लांट जनरेशन 500 मेगावाट का, सेकेंडरी रेट कितना है, 68,155 मीटर क्यूब पर आवर है। कूलिंग टावर का रेंज कितना है, 9.5 डिग्री है। पावर प्लांट डिजाइन सीओसी कितना है, 3.2 है। तो आज एनर्जी ऑडिट क्या कहता है, फॉलोइंग डाटा को फाइंड आउट करना है। तो टोटल वाटर सर्कुलेशन पर आवर, मतलब कितना वाटर पर आवर में सर्कुलेट हो रहा है उसको निकालना। स्पेसिफिक वाटर कंजक्शन मीटर क्यूब पर आवर जनरेशन, मतलब हम लोग क्या करना है, पर्टिकुलर कितना, 1 मेगावाट में कितना वाटर लॉस हो रहा है, स्पेसिफिक वाटर कंजक्शन कूलिंग टावर में कितना हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। द प्लांट इज क्या कर रहा है, प्रिपरेशन ऑन द अपग्रेडेशन ट्रीटमेंट प्लांट। पर्टिकुलर क्या कर रहा है प्लांट, अब क्या कर रहा है, अपग्रेडेशन कर रहा है टू इंक्रीज सीओसी 6 कर रहा है ना। तो अपने क्या करना है, वाट विल बी द पोटेंशियल वाटर वाटर सेविंग इन ए मीटर क्यूब आवर एंड मीटर क्यूब पर मेगावाट जनरेशन, मतलब कितना वाटर हम लोग सेविंग कर रहे हैं और स्पेसिफिक वाटर, मतलब पर मेगावाट में कितना स्पेसिफिक वाटर सेविंग करना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे क्या किया है, मतलब पुराना डाटा से नए डाटा को कंपेयर करना है, ये एनर्जी वाटर का काम है। इसको हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा किसी प्लांट में सीओसी कम होना प्रॉफिटेबल या ज़्यादा होना। ठीक है, आपको पता ही इवेपोरेशन लॉस कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है 0.00085 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई सिटी फैन रेंज मल्टीप्लाई सर्कुलेटिंग रेट सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेशन रेट। ठीक है, फॉलोइंग डाटा आपको दिया गया है, सर्कुलेशन आपको कितना दिया है 68,155.09 और अपना रेंज कितना दिया हुआ है 9.5। बस डाटा डालते हैं तो आपका आंसर आता है 990.6 मीटर क्यूब पर आवर। ये क्या है, अपना इवेपोरेशन लॉस है। ठीक है, पर्टिकुलर 500 मेगावाट के प्लांट हैं। आपको पता है ब्लो डाउन लॉसेस कैसे निकालते हैं, इवेपोरेशन लॉस डिवाइड बाय सीओसी माइनस वन। मैं गलती से यहाँ 1 माइनस सीओसी कर दिया, आप लोग उसको करेक्शन कर लेंगे, सीओसी माइनस वन होता है। ठीक है, तो अपना इवेपोरेशन लॉस कितना निकाला हूँ अभी, 990.06 डिवाइडेड बाई 3.2 माइनस वन। आपको बताया था अपना सी ओ सी कितना दिया है ओल्ड वाले में 3.2, उसको अपग्रेडेशन करके 6 लाया है, बट अपने को अभी प्रीवियस डाटा के हिसाब से चलना है। तो अपना कितना आया, इसको सॉर्ट आउट करने से 450.93 मीटर क्यूब पर आवर, ये अपना ब्लो डाउन रेट है। ठीक है, इस क्या है, जब अपना सी ओ सी 3.2 मेंटेन करते हैं तो टोटल वाटर कंजप्शन कितना हुआ, तो अपना इवेपोरेशन लॉस कितना था 990.06 प्लस 450, तो अपना इसको दोनों को ऐड करने से कितना आता है 1,440.9 मीटर क्यूब पर आवर। आपको ये समझ आ गया होगा, तो स्पेसिफिक वाटर कंजक्शन, तो टोटल वाटर कितना लगता है अपना होगा 1,440, तो टोटल वाटर बाय जनरेशन, तो यूनिट कितने का, 500 मेगावाट का, तो आपको 2.88 मीटर क्यूब पर मेगावाट, मतलब 1 मेगावाट में 2.88 मीटर क्यूब वाटर का हमारा क्या है, स्पेसिफिक वाटर कंजक्शन है। ये आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड। अब अपना क्या करना है, पर्टिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट को अपग्रेडेशन किए, तो अपना सी ओ सी अब कितना कर रहे हैं, 6 मेंटेन कर रहे हैं, तो अपना इवेपोरेशन लॉस कितना है, ठीक है आपको पता ही है कितना, 990, तो सी ओ सी माइनस वन करेंगे,
तो क्या होगा, ओल्ड डाटा ना डाल के अब न्यू अपना COC 6 के हिसाब से निकालेंगे। तो अपना ब्लो डाउन कितना निकलता है, 198.12। ठीक है फ्रेंड, ये कैसा है आपको समझ आ गया होगा। तो टोटल वाटर कंजक्शन, तो टोटल ब्लो डाउन कितना था, ऑपरेशन लॉस कितना था आपको भी पता है, 990.6। अपना न्यू अपना ब्लो डाउन कितना आ जाएगा, 198.12, दोनों के एडिंग करने से कितना आता है, 1188.72। ये अपना टोटल वाटर कंजक्शन आ गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक पावर कंजक्शन कितना हो जाएगा, टोटल वाटर कितना वेस्ट हो रहा है, 1188.72 डिवाइड बाय मेगावाट जनरेशन, तो कितना है, 2.371 मीटर क्यूब पर आवर। आपको समझ गए कैसा कैसा कैसे हुआ, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में आप आगे बढ़ते हैं। तो टोटल वाटर सेविंग पर आवर कितना हो जाएगा, अभी क्या करेंगे अपना टोटल, अपना जो प्रीवियस वाला टोटल है उसको करंट वाले टोटल वाटर से क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अपना टोटल वाटर सेविंग आ जाएगा पर आवर्स में। पहले आपको पता है एक क्या पूछा था, तो अपना कितना आ जाएगा, 250.18 आ जाएगा वाटर सेविंग इन जनरेशन ऑफ मेगावाट पर मेगावाट। तो वाटर सेविंग कितना हो रहा है, तो इतना अपना निकालने से डिफरेंस कितना कहता है, 250.18 डिवाइड बाई 500 मेगावाट। ठीक है, तो अपना कितना आ रहा है, 0.507 मीटर क्यूब पर आवर, मेगानी पर मेगावाट। ठीक है, अब एक मेगावाट के पीछे 0.5 मीटर क्यूब का अपना क्या रहा, वाटर सेविंग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ आ गया होगा दोनों, यही अपने से पूछा था, टोटल वाटर सेविंग और अपना स्पेसिफिक वाटर पर मेगावाट सेविंग। ठीक है, बहुत ईजी था फ्रेंड, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, बहुत ईजी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मेरे कमेंट्स करिए, अब मैं इसी से रिलेटेड दूसरा नंबर पर आपको बनाकर समझा दूँगा। थैंक यू फॉर फ्रेंड वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू।